मुझे रोड ट्रिप्स बहुत पसंद है और कहीं ना कहीं यकीन भी है कि आपको भी रोड ट्रिप्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे। ज़रा इमेजिन करो वो ब्यूटीफुल रास्ते, क्या खूबसूरत सीनरीज, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वो पुराने गाने, किसे नहीं पसंद। अच्छा लग रहा है ना? इस एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाने के लिए ही आज की इस वीडियो को हम बना रहे हैं। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कारो क्लॉक। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 3 एक्सेसरीज जो आपके पास पक्का होनी ही चाहिए, चाहे आप लद्दाख की ट्रिप पर जा रहे हो, चाहे साउथ इंडिया, चाहे राजस्थान, चाहे वेस्ट बंगाल, चाहे अपने घर से सिर्फ ऑफिस ही क्यों ना जा रहे हो, ये एक्सेसरीज तो आपके पास पक्का होनी ही चाहिए। और ये वीडियो पता है क्यों स्पेशल है? क्योंकि आप इन एक्सेसरीज को परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ, इस पर कॉल करें और इन एक्सेसरीज को अपना बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखा तो दूँ आपके पास एक कौन सी ऐसी 3 एक्सेसरीज हैं जिससे आपकी लाइफ बदलने वाली है। सबसे पहला और सबसे यूजफुल प्रोडक्ट, ये एक स्मार्ट पावर इन्वर्टर है। इसकी ज़रूरत हम सबको है एंड कंपनीज इसकी प्रोविजन भी देती है गाड़ियों में। 12 वोल्ट का सॉकेट होता है, वहाँ पर ये लगता है और उसके साथ साथ आपको एक बेहतरीन क्वालिटी वाला एक स्मार्ट पावर इन्वर्टर मिल जाता है, जिसपे आप अपने फ़ोन चार्ज पे लगा सकते हैं, कैमरा की बैटरी जैसे मुझे ज़रूरत होती है, और लैपटॉप तक अपना चार्ज पे लगा के काम कर सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट भी इजीली लग जाता है और साथ साथ 4 USB पोर्ट्स भी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर आती है इसकी क्वालिटी। देखो, मैं आपको मार्केट में 1500 का आपको एक सॉकेट वाला मिल जाता है विदाउट एनी वारंटी, विदाउट एनी गुड क्वालिटी। दिस इज़ ऑफ ओनली 2500, जिसमें आपको 2 पावर सॉकेट्स, उसके साथ साथ 4 USB पोर्ट्स, हर तरह की प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाती है, शॉर्ट सर्किट वाली भी, इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रोटेक्शन भी, हीटिंग के लिए फ़ैन भी मिलेंगे, ओवरहीट आपको नहीं होगा इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? 1 साल और 3 महीने की वारंटी आपको इसमें मिल जाती है और क्वालिटी पता लगती है, हाथ पे पकड़ते ही पता लग जाती है। वायर की लेंथ भी अच्छी खासी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ कैसे इसको आप यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी इज़ जस्ट अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की आपको यहाँ पर प्लास्टिक और मेटल का जो फिनिशिंग है वो मिल जाती है। ब्रांडिंग यहाँ पर आपको डिजिटल लाइट भी मिल जाती है, वोल्टेज बताती है कि आपकी बैटरी कितनी है, 4 USB पोर्ट्स, फैन प्रॉपर दिए गए हैं यहाँ पर ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको प्रॉपर पोर्ट्स मिल जाते हैं। इनका फ़ायदा, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, मेल्स वगैरह कई बार अर्जेंटली देनी होती है, पीछे बैठे होते हैं तब आपको चाहिए कि मेरे को लैपटॉप चलाना, कितनी देर बैटरी चल जाएगी उसकी, साथ साथ चार्ज करना, तो इसको डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे अपने कैमराज के चार्जर। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, हमने सारा शूट भी यही करना होता है, बैटरी मेरे पास 3 है फिर भी पूरा दिन कई बार नहीं चलती, तो ये काम आ जाता है। तो यहाँ पर हम उसको चार्ज कर सकते हैं किसी भी कैमरा बैटरी को, नॉर्मल प्लग सीधा के सीधा यहाँ आपने इंसर्ट किया और इसको आप चार्ज कर सकते हैं। फ़ोन चार्ज करने की ऑप्शन भी आपको ये 4 USB पोर्ट्स दिए हैं। आई नो गाड़ी में आपको USB पोर्ट्स ऑलरेडी दिए होते हैं चार्ज करने के लिए, लेकिन एक तो ये फास्ट भी हैं, प्लस अगर आपको ये कम पड़ रहे हैं, यहाँ पर 4 जने ट्रैवल कर रहे हैं, चारों का फ़ोन लगा हुआ, आपका एक और फ़ोन चार्ज पे लगाना है, तब भी आप ये फास्ट चार्जर वाले जो आप अपनी ब्रिक यूजली कैरी करते हैं अडैप्टर, उसको भी यहाँ पर यूज़ करके अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज कर पाएंगे, 4 साथ साथ और भी चार्ज होते रहेंगे। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। प्लस इसमें ऑफ कोर्स आपको ये 12 वॉट का जो सॉकेट है वो मिल जाता है, जिसको आप यूज़ करके आगे या पीछे जहाँ पर भी आपकी गाड़ी में अवेलेबल है यूज़ कर पाएंगे। क्वालिटी की बात करो तो यहाँ पर जो इसके प्लग हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं, ऐसा नहीं है कि लूज है कि ईजिली निकल जाएंगे, तो वो आपको एक काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है कि क्वालिटी के मामले में वेंट्रो ने बहुत अच्छा काम किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट, एक बहुत ही सिंपल इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी। आपको लग रहा होगा ये कॉफ़ी का कप है, स्टारबक्स का कप नहीं है, दिस इज़ अ डस्टबिन, वो भी स्प्रिंग मैकेनिज्म, अच्छी क्वालिटी वाला कप होल्डर में आपके फिट हो जाता है किसी भी गाड़ी में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना कई बार मायने रखती हैं। च्युइंगम खाई, जूस पिया, आपने ग्लास फेंकना है, चिप्स खाए, कुछ किया, हम कई बार डोर की साइड पर रख देते हैं, फिर वो कितने कितने दिन वहीं पड़ा रहता है, वहाँ पर वो चिपक भी जाता है, स्मेल भी आ सकती है, कोई गलती से वहाँ हाथ डाले तो उसके हाथ में च्युइंगम भी लग सकती है। तब ये काम आता है कि किसी भी कप होल्डर में आप इसको रख सकते हो, और स्प्रिंग मैकेनिज्म के साथ आता है, तो जो अंदर गया वो अंदर ही रहेगा, ऐसे बाहर आएगा नहीं इजीली, ऐसे नहीं कि अगर ये गिर गया तो सारा सामान बाहर आ जाएगा। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है मुझे लगता है कि क्योंकि ये रिमूवेबल है, दिस इज़ पोर्टेबल, अगर आप कहीं पे बैठे पिकनिक करें कि बाहर निकले भी हैं तब भी आप इसको अपने साथ यूज़ कर सकते हैं, छोटा मोटा सामान इसमें फेंक सकते हैं, और साथ के साथ अपने कार वॉशर को बोल सकते हैं आप खुद इसको रिमूव करके डस्टबिन में जाके सीधा खोलें और थ्रो करें, आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये प्रोडक्ट हर गाड़ी में कंपलसरी हो जाना चाहिए, और जब तक नहीं है तब तक आप इसे परचेज तो कर सकते हैं इस नंबर पर, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत काम का प्रोडक्ट है, दिस इज़ अ मल्टीपर्पज कार ऑर्गेनाइजर। सबसे पहला इसका पर्पज, मेरा पेट छुप रहा है इससे, देख रहे हो? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।
नेवर माइंड, इसका आप गाड़ी में यूज कर सकते हैं, अपनी सीट के ऊपर लगा सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा सामान रख सकते हो। इनफैक्ट अगर इसको ओपन कर दूं तब इस पे आप एक स्टैंड की तरह यहाँ पर लैपटॉप, टैबलेट्स, बुक्स और कुछ खाने पीने के लिए प्लेट रख के, चाकू भी रखा है, एप्पल भी रखा है आपने काट के खा रहे, तब भी आप कर सकते हो। आइए आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। दिस इज़ अगेन ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी एंड अ वेरी पर्पसफुल डिवाइस, तो डेफिनेटली इसे चेकआउट भी ज़रूर कर लेना। कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, वेरी इजी स्टेप, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। इसको अगर आप यहाँ पर बंद कर देंगे तब आपके पास यहाँ पर स्टोरेज, यहाँ पर अलग से दो स्टोरेज है, नीचे भी है, यहाँ पर आपके टिश्यूज आ जाएंगे, एक एक करके निकाल सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपकी अम्ब्रेला आ सकती है, बॉटल होल्डर तो है ही है, एक पूरा नीचे तक जाता है और दोनों मतलब स्टोरेज वाइज प्रॉपर। और इसको अगर आप अनलॉक करेंगे तो इस यहाँ पर आप अपना कुछ और सामान यानी कि बुक्स, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह भी रख पाएंगे, साथ में यहाँ पर सामान भी डायरी से लेकर पेन से लेकर नोटबुक्स जो रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी हाई क्वालिटी का PU लेदर आपको यहाँ पर मिल जाता है, अच्छी खासी ग्रिप भी आपको मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे जब इतनी अच्छी क्वालिटी का है, इतना काम आता है तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, बट ऐसा है नहीं। इट्स अ वेरी इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट, कभी 500, कभी 600, कभी 700 इसकी प्राइस रहती है। नंबर पे कॉल करें, लेटेस्ट प्राइस भी जाने और अपना बना लें। इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। फ़ायदा, यहाँ पर आप बहुत सामान रख सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पाउच इजिली डन, कैमरा की एक्सेसरीज डन, पावर बैंक आराम से, शेड्स रखना चाहते हो देखो आ गए, लैपटॉप रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। हाँ, हालांकि मैं रेकमेंड करूँगा कि थोड़ी सी सपोर्ट उसके साथ रखें, और फिर भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको किस तरह की दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। सामान रखना इज़ रियली ईजी एंड काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पर इस प्रोडक्ट के साथ मिल जाता है। हर गाड़ी में ये होना चाहिए। आप सच्ची सच्ची कमेंट करके बताना, मैं गारंटीड कह सकता हूँ अगर आपने कभी कोई गाड़ी चलाई है, 100 किलोमीटर भी गाड़ी टोटल चलाई है ना आपने, तो आपको इन चीज़ों की कमी महसूस हुई होगी। हम हमेशा ट्रिप पे खाते पीते, खानदान से सारे जने सब खाते पीते हैं, डस्टबिन बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ चार्जर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, जब आपको फ़ोन अपना फास्ट चार्ज करना होता है, लैपटॉप चार्ज करना होता है, टैबलेट चार्ज करनी होती है, या हमारी तरह कैमरा की बैटरी चार्ज करनी होती है, तब वो डेफिनेटली काम आता है। और ऑफ कोर्स सीट ऑर्गेनाइजर किसी ने चाहिए, हमें आदत है थोड़ा गंद मचाने की, सामान ज़्यादा रखने की, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर प्रॉपरली फिट हो जाती है, तो आपको किस तरह की वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप एक गाड़ी ओन करते हैं तो ये तीन प्रोडक्ट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वॉज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कार ओक्लॉक, उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे। डिस्क्रिप्शन के में आपको लिंक मिल ही जाएगा और उसके साथ साथ आप इन नंबर पर कॉल ज़रूर कर लें। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि इस तरह की वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं या नहीं, या आपके मन में कोई और एक्सेसरी है जो आपके पास 100% होनी चाहिए ऑन अ ट्रिप और इवन विद अ कार, तो वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। देखते रहें डेक पैक, देखते रहें कार गाइड, देखते रहें कार ओ क्लॉक। टेक केयर एंड बाय बाय।